तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए कितना उपयोगी है। इस दुनिया में भगवान ने सभी को एक चीज़ समान दी है, वो है समय, यानी एक दिन के 24 घंटे, और सब उसे अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको ये बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपना तकरीबन 6 से 7 घंटा आप पढ़ाई में निकाल देते हैं, या जॉब करते हैं तब भी 6 से 7 घंटा आपका जॉब में निकल जाता है, और हम इसमें आप 6 से 7 घंटा सोने का निकाल देते हैं, चलिए 7 से 8 घंटा सोने का निकाल देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे पास रोज डेली के 7 से 8 घंटे बचते हैं, तो अब ये समय जा कहाँ रहा है, अब इसका आप पता लगाइए। तो हर सुबह डेली उठने के बाद हम अपना डेली प्लान बना लें। डेली प्लान बनाने से, और उसमें हम ये चेक करेंगे कि डेली प्लान में उन कामों में से जो हम बनाए हैं आज के लिए, उसमें में से कौन से काम हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हैं, और जो काम हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा अर्जेंट रहेंगे उन कामों को हम सबसे पहले कहेंगे। डेली प्लानर को सबसे सक्सेसफुल तरीका है। इससे क्या होता है, शुरुआत में आप इसे सही से अगर फॉलो करेंगे तो आप कुछ दिन में आपको यह डेली प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद इसे सीख जाएंगे और आप ये समझ जाएंगे कि आप कितना टाइम अपने उन कामों में वेस्ट कर रहे थे जहां पर आपको अपने टाइम को वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो डेली प्लानर बनाने से आपको यही फ़ायदा होगा। और सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लें कि अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो आप अपना कुछ भी काम सही से नहीं कर पाएंगे और अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। जब रोज रात को समय आप अपनी डेली एक्टिविटी को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप बहुत से ऐसे काम कर रहे थे जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे थे। इन कार्यों में आपका अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा ये मिलेगा कि आप मोबाइल फ़ोन यूज करते थे और इंटरनेट चलाते थे और अधिक टीवी देखना और ऑफिस में गपशप करना, खाली बैठना, फालतू की बातों को सोचते रहना, इन सभी चीज़ें शामिल रहेंगी इनमें। अब सबसे पहले तो आप इन सभी कार्यों को करना छोड़ दीजिए, यानी कि पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। इनको छोड़ने से आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और या डेली प्लान के जरिए आप कर सकते हैं। आप रोज़ अपने डेली प्लान का विश्लेषण करें और टाइम वेस्टर्स को हटाने के बाद जो फ्री टाइम बचे उसके लिए अपने डेली प्लान में जगह दें। इस तरीके से आप टाइम वेस्टिंग कम कर सकते हैं और अपने टाइम का सही तरीके से यूज कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको अपनी डेली टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पता चलेगा और आप उन्हें कम या बंद कर पाएंगे। डेली लाइफ में आप जो टाइम वेस्ट होता है उस समय का प्रयोग आप किसी अच्छे काम में कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो जैसे ही आती रहती हैं। तो दोस्तों अब मैं अपनी इन बातों और अपनी इन वीडियो को ख़त्म करता हूं। आपने मुझे अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।